नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। महंगी पड़ी पेट के कीड़े मारने की दवा, 200 बच्चे बीमार। बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 200 स्कूली बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल उन्होंने नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर पेट के कीड़े मारने की गोलियां खिलाए जाने के बाद बेचैनी महसूस होने की शिकायत की थी। बिहार में ये गोलियां खाने के बाद एक स्कूल के 100 छात्रों ने बेचैनी महसूस होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें बिहार शरीफ स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक स्कूल के 58 बच्चों ने इन गोलियों को खाने के बाद मिचली आने की शिकायत की। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, कैथल और बरारा कस्बे में 40 स्कूली बच्चों ने पेट में दर्द और बेचैनी महसूस होने की शिकायत की। उत्तर कोरिया में सेना प्रमुख को फांसी पर लटकाया। उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख री योंग को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। इससे पहले भी मई 2015 में वहां के रक्षा मंत्री को तोप से उड़ा दिया गया था। दक्षिण कोरियाई मीडिया में आई खबरों के अनुसार देश के नेता किम जोंग उन द्वारा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के क्रम में विभिन्न लोगों को दी जा रही मौत और कैद की सजा की श्रृंखला में ये ताजा घटना है। कोरियाई पीपुल्स आर्मी केपीए के प्रमुख री योंग गिल को राजनीतिक धड़े का गठन करने और भ्रष्टाचार के दोष में इस महीने के आरम्भ में मौत की सजा दे दी गयी। आईएस से जुड़ रहे हैं सैकड़ों पाकिस्तानी। पाकिस्तानी खुफिया ब्यूरो के प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि सैकड़ों पाकिस्तानी इस आतंकी समूह के साथ जुड़ने सीरिया पहुंच गए हैं। खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक आफताब सुल्तान ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि यहां से कई संगठनों की ओर से भर्ती किए गए लड़ाकों को सीरिया भेजा जा रहा है। आईएस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से सीरिया जाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है। गृह मामलों की सीनेट की स्थायी समिति के समक्ष आफताब ने कहा कि आईबी देश में आतंकवादियों का पता लगा रही है और उनकी गिरफ्तारियां कर रही है।